गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। बड़ी आंत की प्रॉब्लम्स को पहचानने के लिए कोलोनोस्कोपी सबसे महत्वपूर्ण जांच है, जो बड़ी आंत में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेगी तो कोलोनोस्कोपी करेगी। एंड लेकिन बहुत सारे लोग कोलोनोस्कोपी से डरते हैं कि बड़ी खतरनाक जांच है, बहुत लोग डरते हैं कि बड़ी डेंजरस जांच है ये। तो मैं आज बात करूंगा कोलोनोस्कोपी के डेंजरस के बारे में। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी जो ना जांचें हैं जो बड़ी आंत की प्रॉब्लम्स को सामने लेके रखती हैं, उनमें से कोलोनोस्कोपी सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपकी जो बड़ी आंत, आपका रेक्टम में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सामने ला के रख देती हैं। एंड कोई भी जो ने कॉम्प्लिकेशन है वो तो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो कोलन की या बड़ी आंत के जो कैंसर या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। उन सबको पहचानने के लिए जो कोलोनोस्कोपी है सबसे सुरक्षित तरीका है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर कोई छोटी मोटी गांठ निकलती है तो उसको निकाल के अलग करते कर दिया जाता है तो कोलन कैंसर के होने की जो संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इन यही जांच है जो कोलन या बड़ी आंत का जो कैंसर है उसको बहुत अर्ली स्टेज में सामने कर सकती है। एंड ये बात सही है कि जो कोलोनोस्कोपी है ये आपको एक हेल्दी लॉन्ग इन प्रोडक्टिव लाइफ को जो जीने का एक सबसे हेल्दी वे देती है कि आप उस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। नाउ ये बात सही है कि जब कोलोनोस्कोपी की जांच होती है तो आपकी लैट्रिन के रास्ते से एक पतली ट्यूब पास की जाती है। ये ट्यूब फ्लेक्सिबल होती है, रबर जैसी होती है, इसके टिप पर एक कैमरा लगा होता है। ये बात सही है कि ये जो कोलोनोस्कोप है ये लैट्रिन के रास्ते से पूरी बड़ी आंत में और जो बड़ी आंत का आखिरी पोर्शन है जिसे सीकम कहते हैं वहां तक पास की जाती है। जब कोलोनोस्कोपी की जांच होती है मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को कुछ नींद की दवा दी जाती है या सिडेशन दिया जाता है जिससे आपको नींद आती है, इन बड़ी आंत की जांच इससे प्रॉपर हो जाए। नाउ ये बिल्कुल कुछ सच्चाई है जो आपको समझने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज 23 में से एक पुरुष, दैट मींस अगर हम मेल्स की बात करें तो 23 में से एक एंड महिलाओं में से 25 में से एक अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी जो बड़ी आंत का जो कैंसर है उसके होने का जो रिस्क है वो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बड़ी आंत का जो कैंसर है उसका इंसिडेंस ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को देखें तो उन्होंने ऐसा माना कि अगर कोलोनोस्कोपी प्रॉपर कराई जाए तो जो एक कोलोरेक्टल कैंसर की जो होने की संभावना है वो 40% नीचे हो जाती है। इन द सेंस कि आपकी कोलोनोस्कोपी हुई, छोटा सा पॉलिप निकला, उसको कट करके अलग कर दिया गया तो कोलन कैंसर की संभावना खत्म हो गई। और अगर इसकी संभावना खत्म हो गई तो कैंसर ही नहीं होगा तो जो मोर्टेलिटी की जो संभावना है वो नेचुरली कम हो जाएगी। तो जो कोलोनोस्कोपी के चलते कैंसर होने की संभावना 40% कम हो गई, इन जो मॉर्टेलिटी है वो 60% कम हो गई है बिकॉज ऑफ द कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट जांचों में से है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो लोग डरते हैं और समझते हैं क्या इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये फैक्ट आपको समझना चाहिए कि ऐसी कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं है जो 0% रिस्क लेके चलती है। एक मिनिमल रिस्क तो हर मेडिकल प्रोसीजर में होती है, लेकिन अगर हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गेस्ट्रोएंटरोलॉजी को देखें, गेस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी को देखें, तो उनका एस्टिमेट है कि 1000 अगर कोलोनोस्कोपी होती है तो उनमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है। एंड ये जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं कभी इतने सीरियस नहीं होते हैं कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और ये जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो आपके डॉक्टर्स होते हैं जो कोलोनोस्कोपी करते हैं उसको मैनेज करने के लिए ये बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जरा आप ध्यान से देखिए तो सही कि जो इंसिडेंस है कॉम्प्लिकेशन का वो 3 in 1000 है, इसका मतलब 0.3% है। ये जो इंसिडेंस है ये ऑड है, ये इतना कम है कि आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आज बात करूंगा। नंबर 1 इज द ब्लीडिंग। से फॉर एग्जाम्पल आपकी कोलोनोस्कोपी होती है, इन वहां कोई प्रॉब्लम होती है और उसमें से एक टुकड़ा जांच के लिए निकाला जाता है, या आपको पॉलिप है उसको कट करके हम पॉलिप निकालते हैं तो कभी कभी उस स्पॉट से थोड़ा सा ब्लड लीक करता है। ये जो ब्लड लीक करता है यहां से वो हो सकता है कि एक दिन दो दिन थोड़ा सा ब्लड आए, लेकिन अगर ये ब्लड दो दिन से ज्यादा आपको दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर को बताइए कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको
चेक किया जाएगा फिर से कि कहीं उस स्पॉट से अगर ब्लीड कर रहा है तो उसको हीमोक्लिप किया जा सकता है, उसको इंजेक्शन किया जा सकता है, उसको कॉटराइज किया जा सकता है और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जिससे कि ये ब्लीडिंग बंद हो जाए। द सेकेंड वन इज द इन्फेक्शन। कभी कभी कोलोनोस्कोपी की जांच जिससे कुछ इन्फेक्शन होने का डर रहता है। रूटीन में 99.9% पेशेंट्स को इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो आपके डॉक्टर जानते हैं कि एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए दिया जाएगा तो जो इंफेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। जो इंफेक्शन है उसका रिस्क किसे होता है कि अगर जो भी कोलोनोस्कोपी कराएगा उसको इंफेक्शन का खतरा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज है, अगर जो हार्ट का वाल्व है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये जरूर रिस्क है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर वाल्व चेंज हुआ है, मिट्रल वाल्व या कोई वाल्व रिप्लेस हुआ है तो हमेशा रिस्क रहती है। दूसरे भी अगर आपकी बॉडी में जो है प्रोस्थेसिस हैं, आपने नी ट्रांसप्लांट कराया है, हिप ट्रांसप्लांट कराया है, तो इन्फेक्शन का खतरा हमेशा होता है। और आप अगर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं, इन द सेंस कि आपको कैंसर की दवाइयाँ चलती हैं, आपको HIV जैसी कोई बीमारी है या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसके चलते आपका इम्यूनिटी का सिस्टम नीचे की तरफ है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। नंबर 3, रिएक्शन टू एनेस्थीसिया। देखिए, जो कोलोनोस्कोपी जैसी जो जांच है वो अक्सर अंडर एनेस्थीसिया होती है। अंडर एनेस्थीसिया से मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ नींद की दवाइयां दी जाती हैं। जब भी नींद की दवाइयां दी जाती हैं तो इनके कुछ साइड इफेक्ट हमेशा हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपको नींद की जो दवा है वो एनेस्थेटिस्ट देते हैं और ये जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए सबसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स होते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ, कभी ऐसा होता है कि जो कोलोनोस्कोपी होती है तो जो बड़ी आंत है उसमें अगर इस तरह की कोई गांठ निकलती है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करके कट करके निकाल के अलग कर दिया जाता है। कभी ये जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं उसके चलते जो इंटेस्टाइन है उसमें हल्की सी इंजरी होने का डर रहता है। इट्स वेरी रेयर, इट्स नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम। अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ इंजरी हुई तो जो पेट है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंशन होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फीवर आए। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ एंटीबायोटिक लेना है, 2 दिन बेड रेस्ट करना है, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द परफोरेशन। इट्स अ वेरी वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन। ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोलोनोस्कोपी के जरिए जो स्ट्रेचिंग होती है उसमें कभी कभी परफोरेशन का डर रहता है। अगर परफोरेशन होगा तो पेन आएगा, डिस्टेंशन होगा एंड पेट थोड़ा सा हवा पास होने में प्रॉब्लम होने लगेगी। ये कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है, आंख से ही दिखाई दे जाती है कोलोनोस्कोपी के द्वारा, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो छोटे लीक होते हैं उनमें कुछ नहीं करना पड़ता है, आप लिक्विड डाइट पर रहेंगे 3-4-5 दिन, एक एंटीबायोटिक लेंगे, ये ऑटोमेटिकली सील हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि परफोरेशन अगर बड़ा होता है तो इसको हमें रिपेयर कराने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये सभी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो इनका इंसिडेंस 0.3% से कम है। ये उतना ही रिस्क है कॉम्प्लिकेशन होने का जितना कि आकाश से बिजली गिरने का डर है आपके सिर के ऊपर। तो इंसिडेंस उतना ही है, इतना कम है, लेकिन आप इस सच्चाई को देखिए दूसरी तरफ कि जो कॉम्प्लिकेशन या जो डिजीज की प्रोसेस है, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर हम कोलन कैंसर या बड़ी कैंसर आंत के कैंसर की बात करें तो 75 साल की उम्र के ऊपर का इंसिडेंस काफी ऊपर की तरफ जाता है, यह बात सही है। तो इसलिए कोलोनोस्कोपी तो कराने की जरूरत पड़ती है। यह बात सही है कि अगर आपको कोमॉर्बिड इलनेसेस, इन द सेंस आपको हार्ट की बीमारी है, आपको लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो कोलोनोस्कोपी जैसी जो जांच होती है वो थोड़ा सा एडिशनल रिस्क लेके चलती है। यह बात सही है कि अगर आपको इस तरह की कोई बीमारियां हैं तो कभी जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ी सी कंबरसम होती है, बट ये बिल्कुल सच्चाई है कि डाटा बिल्कुल क्लियर है इस बारे में कि जो कोलोनोस्कोपी के फायदे हैं या जो बड़ी आंत की जांच के लिए जो कोलोनोस्कोपी हम करते हैं उसके जो एडवांटेजेस हैं वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन की जो रेट है उसको 100 times जो ना आउटवे करते हैं। ये जो प्रोसीजर है इतनी सेफ है, ये इतनी इफेक्टिव है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसके सामने नगण्य हैं। और जहां तक
कोलोरेक्टल कैंसर का सवाल है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, और चूंकि उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है तो अगर इस तरह की जांच से उसको डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, अर्ली एज में उसको फाइंड आउट नहीं किया जाएगा, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होके एक सिग्निफिकेंट रिस्क पोज करता है। अगर हम डेटा को देखें तो आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स जैसे डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर कोलन जो कैंसर है वो थर्ड कॉमन काज ऑफ डेथ है, थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ है, एंड इट इज ओनली बिकॉज जो कोलोनोस्कोपी है उससे आप कॉम्प्लिकेशन है किसी दूसरे डर के मारे उसको आप ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, एंड अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन में चलते हैं। तो अगर हम आप ध्यान से देखें कि जो आपके मन में डर है इस तरह का कि जो कोलोनोस्कोपी बड़ी पेनफुल या डेंजरस जांच है, ये सच्चाई नहीं है। जो कोलोनोस्कोपी इज ए वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टिगेशन, एंड इसमें कॉम्प्लिकेशन के जो रेट है वो 0.3% है, 0.3%, यानी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क उतना ही है जितना आपके ऊपर आकाश से बिजली गिरने का रिस्क, साइंटिफिकली स्टडी ऐसा मानती है। तो इसलिए इफ देर आर सिम्टम्स तो आपको बड़ी आंत की जांच या कोलोनोस्कोपी कराने की जरूरत है। अगर कोलोनोस्कोपी के कॉम्प्लिकेशंस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।